आज हम बनाने जा रहे हैं दही के छोले। ये बड़ी टेस्टी रेसिपी है नाश्ते के लिए, तो आइए चलिए इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए लिया मैंने करीब 1 किलो दही। इसको बिग बाज़ार के पुराने थैले के ऊपर निकाल लिया। नीचे मैंने एक जाली रखी है छन्नी, उसके नीचे एक बर्तन रखा ताकि सारा पानी उस बर्तन में निकले। और इसके बाद फिर इसकी पोटली बनाकर इसको धागे से बांध दिया। बंधी हुई पोटली को मैंने सिंक के ऊपर करीब 1 घंटे टांग देनी है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। देखिए धीरे धीरे इसका सारा पानी टप 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 के गिर रहा है और ये हंकट मेरा तैयार होने वाला है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं जनाब, इसको मैं फिर उसी बर्तन में रखकर फ्रिज के अंदर रख दूंगा और ये करीब 3 से 4 घंटे और 5 घंटे उसी में रहेगा। अब मैं इसके अंदर की तैयारी कर लेता हूँ। मैंने धनिया, मिर्चें, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज बड़ा बारीक बारीक काट लिया और ये हो गया मेरा स्टेप सेकंड। अब हम उस दही को खोल के देखते हैं जो कि हमारा 6 घंटे फ्रिज के अंदर रहा। देखिए इसमें से सारा पानी निकल चुका है। अब मैंने इसमें से करीब आधा दही एक बाउल में निकाल लिया। आधे का मैं बनाऊंगा दही कबाब। इसमें मैंने करीब 100 ग्राम पनीर कद्दूकस कर लिया। ये भी सब महीन महीन कर लेना है इसके अंदर। अब मैंने इसमें कटा हुआ धनिया और जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था गाजर, शिमला मिर्च और प्याज का, वो इसमें डाल देना है। इसमें मैंने सिर्फ 2 मसाले डाले, एक तो काली मिर्च, दूसरा चाट मसाला। नमक मैंने इसमें डालना नहीं है क्योंकि नमक डालते ही दही फिर ये पानी छोड़ने लगेगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसको हिलाना भी बहुत कम है, यानी इसको मतने लगें, क्योंकि जब ज़्यादा हिलाएंगे तो इसके अंदर से क्रीम निकलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा इसकी थिकनेस के लिए मैंने भुने हुए चने का मसाला पीस लिया था पाउडर, वो इसमें मिला दिया। और ना ज़्यादा नहीं हिलाना है, ज़्यादा हिलाने से इसमें से पानी छूटने लगता है। अब हमने ताजी ब्रेड ले ली, उसके किनारे काट लेने, सारे किनारे काट लीजिए और इस तरीके से आपने देखा होगा इस ब्रेड के किनारे काट लीजिए मैंने सारे। क्योंकि ये ब्रेड के किनारे जब हम मोड़ेंगे तो टूट जाते हैं, इसलिए इन किनारों को हटा दीजिए। अब हम इन्हें बेलन से बेल लेते हैं। जब ये पतला पतला बेल जाए तो इसके एक तरफ हम लोग हल्का हल्का पानी लगा देते हैं ब्रश से, हाथ से भी लगा सकते हैं, और इसको पलट देते हैं, यानी ये हिस्सा नीचे कर देते हैं और सूखा हुआ हिस्सा ऊपर। आप चाहे तो दोबारा हल्के हाथ से बेल लें, ना चाहे तो ना बेलें, क्योंकि कई दफ़ा पानी लगने से नीचे वो चिपक जाती है। अब जो हमने अभी मिक्सचर तैयार करा वो इसमें रखा और नमक जो मैंने उस समय नहीं डाला था अब इसमें ऊपर से छिड़क लिया और इसको बड़े हल्के हाथों से इसको ऐसे रोल कर लेंगे। अरे भूल गया, इसमें अभी चिपकाने के लिए मैदा का मैंने पेस्ट बनाया था, वो भी साइडों में लगाना है, अदरवाइज ये चिपकेगा नहीं ना। तो ये मैदे का पेस्ट मैंने साइडों में लगाया ताकि ये मेरी ब्रेड इससे चिपक जाए। अब मेरा मसाला तो अंदर भर गया लेकिन साइडें खुली हुई हैं। इसको बंद करने के लिए मैंने एक पॉलीथीन ली, उसके ऊपर इसको रोल को रखा और पॉलीथीन के साथ ही इसको लपेट लिया। और जब ये इसके अंदर प्रॉपर लिपट गया
तो दोनों हाथों से इसके दोनों कोने पकड़े और हल्के से ट्विस्ट कर दिया मरोड़ी की तरह। जब इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट करा तो ये अंदर चिपक गया, बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा एक रोल तैयार है। आइए इस प्रोसेस को एक बार फिर ऋतु के साथ रिपीट करते हैं। ये है प्रेमिका ब्रेड, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम और कहना मानने वाली आज्ञाकारी। आपने देखा होगा कई ब्रेड बड़ी होती हैं अक्खल टाइप की, जैसे कहते हैं पत्नी ब्रेड, और वो मुड़ना झुकना तो क्या जाने, जैसी उन्हें ज़रा सा रोल करो बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इस प्रेमिका ब्रेड को हम लोग हल्के हल्के बेलते हैं। देखिए प्रेमिका ब्रेड में ऐसे छेद आपको दिखेंगे, वो चलता है, पत्नी ब्रेड में कभी नहीं दिखेंगे, यही फर्क है पत्नी और प्रेमिका में। ये चलता है लेकिन जो काम है वो तो हो जाता है ना। बहरहाल अब इसमें एक तरफ लगाते हैं पानी। पानी लगाने की वजह ये होती है कि ये तेल नहीं सोखता है पानी लगाने। मैदे का पेस्ट चारों तरफ से इसकी लॉकिंग करने के लिए। नमक इसमें बाद में ऊपर डालिए, सब होता यह है कि पानी नहीं छोड़ता है इधर ना। मिक्सचर में पानी होने लगता है, हल्के हाथों से रोल करेंगे इसको। जब ये रोल हो जाए तो इसके कोने जो चोचे हैं उसको एक पॉलिथीन ले लेते हैं, पॉलिथीन पर रख देते हैं और रैप करके चोचे जो है बंद कर देते हैं। तो जब तक हमारे ये रोल तैयार हो रहे हैं, हमने एक कढ़ाई पर तेल चढ़ा दिया है जो कि गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके सारे रोल इसमें गोल्डन कलर के होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे काम में 1.5 से 2 मिनट लगते हैं एक रोल को सीखने में। एक एक रोल सीखने का मकसद ये होता है कि एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि ये हमारे गीले हैं, ऊपर से इसमें हमारा पानी लगा हुआ है और ऐसे में ये फट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बड़े अच्छे से सीखते जा रहे हैं। ये हल्के हल्के इसको हम पलटते रहेंगे ताकि नीचे ऊपर हर तरफ से सीख जाए। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में नैपकिन पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। वो नाश्ते में बहुत टेस्टी लगता है, ये चाय के साथ, ड्रिंक के साथ या किसी भी ओकेजन में आप इसको ले सकते हैं। और जब यह तैयार हो गया तो इसको बीच से इस तरीके से काट लेते हैं ताकि ये अंदर से देखने में बहुत सुंदर लगे। देखिए अंदर से कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो एक एक करके हम सारे पीस इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और जब मेरे सारे पीस कट चुके हैं तो इसको हम इस तरीके से डेकोरेट करते हैं। इसको हम चटनी, सॉस, मियोनी, इमली की चटनी किसी के साथ भी ले सकते हैं। ये वाकई बहुत टेस्टी होता है, एक बार आप घर पर ट्राई करें आपको खुद पता लगेगा कि वाकई कितना टेस्टी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।